अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जयपुर के MI रोड पर, जो कि जिसे मिर्ज़ा इस्माइल रोड भी कहते हैं। मेरे सामने इस वक्त चमेली मार्केट है, चमेली मार्केट के सामने खड़े हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर वक्त कोई ना कोई जयपुर में नए जायकों की तलाश में घूमते रहते हैं आपके लिए, कि आपको नए नए जायके जयपुर के दिखाएँ। तो आज हम MI रोड पर आए थे तो अचानक हमारी नज़र पड़ी है सामने बॉम्बे मेज़बान। अरे वाह, ये तो लेबनीज़, टर्किश और मुगलई, ये तो जयपुर में एक बिल्कुल नई चीज़ नज़र आ रही है। जैसा कि मैं सामने लिखा हुआ देख रहा हूँ, द फेमस शॉर्मा ऑफ कार्टर और बैंड्रा, तो ये कुछ नई चीज़ दिख रही है। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं, उनसे मालूम करते हैं कि ये क्या सेटअप है, कब से ये शुरू हुआ है और क्या क्या वेराइटी यहाँ पर दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, तो ये हमने अभी अंदर जाके मालूम किया है, ये तो प्रॉपर बॉम्बे के ही हैं, बॉम्बे मेज़बान है। और बॉम्बे में भी हमने इनका शवरमा ट्राई किया है, काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी जायकेदार होता है। हमने अंदर जाके देखा, जैद भाई हैं जो कि बॉम्बे से ही हैं, उनसे बात की और वो काफ़ी वहाँ की वैरायटी यहाँ पर लेकर आए हैं। तो अभी उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या क्या वैरायटी यहाँ पर दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जैद भाई, अरे कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे क्या बात है, बॉम्बे में मुलाकात हुई थी आपसे और आज जयपुर की मोहब्बत, आज तो जयपुर में मिला दिया हमें। तो यहाँ कब से ये क्या सेटअप था आपका? ये पूरा हमने लेबनीज, अच्छा, और हमारा मुगलई, क्या बात है, तीनों कॉन्सेप्ट हम लेके। तो ये जयपुर वालों के लिए एक सौगात लेकर आए हैं, मतलब जरूर जरूर, क्या बात है। सब तो आप तो जानते ही हैं, आप साहब जायका तो यहाँ का आपका मशहूर है, शॉर्मे के कांटा रोड का शॉर्मा तो मशहूर ही है सब। और हमने ट्राई किया हुआ भी है, तो अब जयपुर में हम लोग भी ट्राई करेंगे और जयपुर वालों को भी ट्राई कराएंगे। उसके अलावा भी और क्या क्या वेराइटी दे रहे हैं? शॉर्मा है, तवे पे रोल है, हमारे ग्रिल आइटम है, अच्छा, सलाद में सब कुछ है और बिरयानी है, वेरी गुड। और हमारा जो फेमस ग्रेवी है पूरे बैंड्रा कार्ट रोड पे है, क्या बात, मुंबई में है, जो चंडीगढ़ में भी हमारा है, चंडीगढ़ में भी चलता है। बॉम्बे में कितने आउटलेट हैं आपके? बॉम्बे में तीन है, और इसके अलावा दुबई, दुबई में चल रहा है, चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ गोवा है। चलिए, बहुत बहुत दुआ, बिल्कुल बिल्कुल, आप और तरक्की दे आपको ऊपर वाला। तो ये बताइए, लेबनीज में क्या दे रहे हैं आप? लेबनीज में जो हमारा फेमस शवरमा जो है वो हमने यहाँ लेके आ गया, और मेरे हिसाब से मेरे को करीब करीब 6 महीने से लोग अप्रोच कर ही रहे थे। क्या बात है, यहाँ जयपुर में? जयपुर में, अच्छा अच्छा, जयपुर में जयपुर में किसने अप्रोच किया आपको? हमारे भाई है सलीम भाई, हमारे कॉलेज फ्रेंड भी थे। क्या बात है, अभी मुलाकात करेंगे सलीम भाई से भी। तो दोस्तों, यहाँ जयपुर में सलीम भाई हैं जो इनके दोस्त हैं, वो इनको यहाँ लेकर आए हैं। जैद भाई बता रहे हैं कि पूरा स्टाफ बॉम्बे का ही है और जो वैरायटी और जो क्वालिटी ये बॉम्बे में दे रहे हैं वही यहाँ लेकर आए हैं। तो जयपुराइट्स आपके लिए बॉम्बे मेज़बान। तो जैद भाई, आज हमें क्या स्पेशल आप यहाँ पे खिला रहे हैं बताएंगे आपको? मैं हमारा जो फेमस है शवरमा जी, लेबनीज़ कबाब। लेबनीज़ कबाब के बारे में कुछ बताएंगे, क्या स्पेशल उसका, क्या तरीका है इसका, या क्या चीज़ कैसे बनाते हैं? लेबनीज़ सॉस आता है, हाँ, एक हमारा स्पेशल जो वाइट में चिकन बनता है। जी जी जी। अब हर चीज़ बता भी नहीं सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल, जो आप बता सकते हैं वो बता। तो इसके लिए ऐसा है कि मैं आपको चेक करवाता हूँ, आप टेस्ट करिए फिर रिप्लाई दीजिए। अच्छा ठीक है, और उसके अलावा क्या बना? दाल मखनी आपको चेक कराता हूँ। दाल मखनी, हाँ, गारंटी है। नॉनवेज से वेज पे आ गए हम लोग, मुगलई में दाल मखनी। आप चेक करिए, मैंने मुगलई भी दे दिया, मैंने टर्किश भी दे दिया, मैंने लेबनीज भी दे दिया, और एक मैं लेबनीज का हमस पीटा बनाता हूँ। जी जी, हमस पीता, तो वो भी चेक कराइए। बिल्कुल, आप वो चेक करिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें जैद भाई बता रहे हैं अभी हमें, ये हमारे लिए स्पेशली बनवा रहे हैं। तो ये चीज़ अभी हम बनवाते हैं, आपको बनते हुए भी दिखाएंगे और खाकर उसका जायका भी बताएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ।
खाना आ गया है हमारा, कुछ वैरायटी अभी आ गई है हमारी, कुछ वैरायटी अभी और आ रही है क्योंकि न्यूली ओपन है, थोड़ा सा सेटअप अभी चल रहा है, हम लोग फर्स्ट टाइम ही आ गए हैं। अभी तो एक लेबनीस चिकन कबाब है और हमस पिता है और ये इनकी एक चीज़ी ज़टार नान है। कुछ सिग्नेचर डिश, कुछ स्पेशल डिश ज़ैद भाई ने हमारे लिए लगाई हैं अभी, कुछ एक भुना चिकन इनका और एक ये दाल मखनी, ये भी बहुत स्पेशल बताई उन्होंने कि कुछ करीब 10-12 घंटे में ये पकती है, कुछ स्पेशल तरीके से पकाते हैं कि बहुत स्पेशल हमारी ये दाल मखनी, तक हमने कल आई वो भी ट्राई करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये इनका लेबनीस कबाब मैं आपको ट्राई करके बता देता हूँ। ये देखिए ये चिकन इन्होंने तंदूर में रोस्ट किया है, उसके बाद ये ऊपर से इनका जो ये हमस है वो लगा के दिया है। प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है, देखने में देखिए बहुत ही शानदार लग रहा है और बहुत ही अलग दिख रहा है, खाकर देखते हैं। बहुत आला है दोस्तों, डिफरेंट टेस्ट है, चिकन की जो मैरिनेशन है वो भी काफ़ी बढ़िया है और ऊपर से जो ये हमस ये जो इन्होंने लगा के दिया, ये ऑलिव ऑयल में बनाया, ऑलिव ऑयल का और गार्लिक का फ्लेवर इसमें आ रहा है, जायका बहुत ही अच्छा है। आप लोग इनका लेबनीस कबाब ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया मज़ा आ गया। ये है हमस पिता, ये पिता ब्रेड होती है और इसके साथ ये हमस है, ये भी आपको ट्राई करके बता देता हूँ, बनते हुए आपको हमने दिखाया था। ये ऑलिव्स हैं, बहुत ही मज़ेदार। दोस्तों जयपुर में अब तक हमने हमस अभी कहीं नहीं खाया था, ये फर्स्ट टाइम हम लोग जयपुर में ये हमस पिता ट्राई कर रहे हैं। हमस जो है ऑलिव ऑयल और सेसमे सीड यानी तिल से बनता है, तो तिल का फ्लेवर इसमें आ रहा है और ऑलिव ऑयल का फ्लेवर आ रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों शानदार। ये है फ्रेंड्स दाल मखनी, जो कि ज़ैद भाई ने बताया कि बहुत ही स्पेशल होती है और बहुत ही अलग तरीके से बनती है, तो हमने कहा चलिए ट्राई करते हैं, दाल मखनी भी ट्राई कर लेते हैं नॉन वेज के साथ, एक वेज आइटम भी ठीक है। और ये है चीज़ी ज़टार नान, ये भी बहुत स्पेशल चीज़ बनाई है, बनते हुए हमने आपको दिखाई थी, काफ़ी इसमें चीज़ की फिलिंग है और ऊपर से एक ये इन्होंने कुछ मसाला डाला है, वो खाकर देखते हैं क्या चीज़ है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कंसिस्टेंसी, देखिए दाल की शानदार है, 10 घंटे तकरीबन इसको पकाते हैं कह रहे हैं, बहुत अलग तरीके से बनाते हैं दाल मखनी और ये चीज़ी ज़टार नान के साथ बेहतरीन कॉम्बिनेशन। ये तो अचानक ही कॉम्बिनेशन बन गया, चीज़ी ज़टार नान अपने आप में अलग डिश है, उसको अपने आप में एक अलग वैरायटी है, उसको अलग से ही खाया जाता है, लेकिन हमने दाल मखनी के साथ ट्राई किया और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। दाल मखनी बिल्कुल क्रीमी है, वेरी स्मूथ, बिल्कुल क्रीमी, ज़बरदस्त है क्योंकि काफ़ी देर तक इसको धीमी आँच पर पकाते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा है, माइल्ड है और चीज़ी नान के साथ इसका कॉम्बिनेशन से इसका फ्लेवर और भी बढ़िया है, मज़ा आ गया दोस्तों। इसकी दाल मखनी भी ज़रूर ट्राई करिएगा और हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये आ गया दोस्तों शवरमा, जो कि मेन सिग्नेचर डिश इनकी है, काटा रोड का फेमस शवरमा है मेज़बान का, जो कि ये बॉम्बे में है और वही फ्लेवर वही टेस्ट यहाँ लेकर आए हैं। ये चिकन की फिलिंग काफ़ी शानदार है, ये देखिए आप, और आपको हमने बनते हुए दिखाया है इसको सीखते हुए, ये चिकन की क्वालिटी है, सॉफ्ट है बिल्कुल, खाली ऊपर की लेयर हल्की सी क्रिस्पी है, खाकर बताते हैं कैसा है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बस यही दिल से निकल रहा है कि बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आ गया। सॉसेज जो इसमें लगाए हैं जो इन्होंने वो भी बहुत टेस्टी हैं और बहुत लिमिटेड लगाए हैं, कोई ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा है, लेकिन चिकन का जो टेस्ट आ रहा है ना वो ज़बरदस्त है, अमेजिंग डिलीशियस, चिकन की मैरिनेशन काफ़ी शानदार है, एक्चुअल शोरमे का जो टेस्ट होता है वो आ रहा है,
शवरमा ऐसा मैंने जयपुर में नहीं खाया। अल्टीमेट दोस्तों मज़ा आ गया, बहुत ही बढ़िया शवरमा। ज़रूर आप लोग आएँ और कार्टर रोड का फेमस शवरमा बॉम्बे मेज़बान पर एक बार ज़रूर ट्राई करें, ज़बरदस्त। ऐसा लग रहा कि कहीं खो गया हूँ मैं इसको खा के, बहुत आला मज़ा आ गया दोस्तों। ये आ गया दोस्तों, भुना तवा चिकन है इनका, ये अलग तरीके से बनाते हैं, अलग इनकी प्रिपरेशन है, अलग मसाले हैं, खाकर देते हैं इसको हम। ये चीज़ी जटार नान के साथ खाएंगे, नान तो इनकी बहुत ही शानदार है, हमने अभी दाल के साथ भी ट्राई की थी। और ये है भुना चिकन जो कि तवे पे बनाया है, बनते हुए हमने आपको दिखाया था। जैतून का मुझे इसमें फ्लेवर बहुत आ रहा है क्योंकि जैतून के तेल में बना हुआ है। सबसे अच्छी बात यहाँ यही है कि हर चीज़ में जैतून के तेल का इस्तेमाल किया है जो कि बहुत हेल्दी भी होता है, नॉर्मल ऑयल जो होते हैं वो नुकसान करते हैं। छोटे छोटे पीस हैं तो अंदर तक पक गया है, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट जायका है, बिल्कुल अलग चीज़ है। ये देखिए आप फ्रेंड्स, सब खाने का जायका हमने आपको बताया, खाना बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है। अभी खाना हम लोग फिनिश कर लेते हैं, काफ़ी देर हो चुकी है, उसके बाद आपसे फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने यहाँ शोरमा खाया, अल्हम्दुलिल्लाह इतना शानदार टेस्ट है। इससे पहले इसी ब्रांच का हमने चंडीगढ़ में खाया था, तो सेम टेस्ट हमें यहाँ वापस खाने को मिला, लाजवाब टेस्ट है। ये अरब का टेस्ट यहाँ खाने को मिल रहा है, इससे बढ़िया टेस्ट मेरे हिसाब से जयपुर में कहीं नहीं मिलेगा। शानदार टेस्ट है, नहीं खुली है और काफ़ी वैरायटी नहीं दे रहे हैं। बहुत बहुत गजब का, बहुत सारा कुछ मंगाया अभी। हाँ अभी भी दूसरा ऑर्डर आ रहा है, उसमें आ रहा है अभी, चल रही है। बहुत शानदार, अच्छी जगह वही खाने के लिए, लाजवाब टेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैन खान है, ये कमरा मेरे को बहुत अच्छा लगा। दोस्तों ये थे अभी हम बॉम्बे मेज़बान पर, नया ओपन हुआ है, खाना बहुत अच्छा था, हमने कुछ यहाँ चीज़ें अभी ट्राई की हैं और आपको उसका जायका खाकर बताया, बहुत ही अच्छा खाना था। आप लोग एक बार आएँ और इनका ये लेबनीज़ और टर्किश और मुगलई खाना यहाँ ट्राई करें, बहुत ही अच्छा, बहुत ही जायकेदार है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और इसी तरह हम नई से नई वीडियो, नए से नए जायके आपको जयपुर की तलाश कर आपको दिखा देने। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जगह पर नए जायके के साथ, आपसे इजाज़त चाहते हैं। शुक्रिया, गुड बाय।